तो ये रुक कैसे हो। तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कुछ कॉमन मिथ्स के बारे में जो कि लोगों के दिमाग में आते हैं रिगार्डिंग कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल। तो अगर आपके भी दिमाग में कुछ सिमिलर मिथ्स आते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप उसको लिख सकते हैं एंड हम लोग ट्राई करेंगे उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का। तो गाइस ये है एपिसोड नंबर 3 मिथबस्टर्स का एंड इसके पहले जो 2 एपिसोड्स थे वो अगर आपने नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं, मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। बट गाइस मुझे एक न्यूज़ पता चली है कि जो 80% लोग हमारा चैनल देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो गाइस। एंड आज की वीडियो थोड़ी लेट आई है उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने 4 बार ये ऑडियो रिकॉर्ड की बट ये रिकॉर्ड हुई नहीं, पता नहीं क्या हुआ। बट आओ यार बढ़ते वीडियो की तरफ एंड सब्सक्राइब बटन के ऊपर नारियल फोड़ते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस जो पहला मिथ आता है वो है यू कैन स्टिक हाइव ट्रैप ऑन MQ27 ड्रैगन फायर, जो कि एक स्कोर स्ट्रीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने उसको टेस्ट करके देखा, तो यहाँ पर मेरे टीममेट के पास जो है वो MQ27 ड्रैगन फायर है और यहाँ पर मेरे पास हाइव है एंड मैं यहाँ पर हाइव उसके ऊपर जैसे ही चिपका रहा था वो ऑटोमेटिकली फूट जा रही थी जैसे कि आप देख सक रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ काम का तो नहीं आया ये, मुझे नहीं लगता ये वर्क कर रहा है। अभी एनिमी जैसे ही पास आया तो उसको भी कुछ हुआ नहीं। तो यहाँ पर मैंने ट्रिप माइन फेंकने का ट्राई किया बट ट्रिप माइन भी उसके ऊपर लगा नहीं। तो गाइज ये मिथ तो हो जाता है बस्ट एंड बढ़ते अपने नेक्स्ट मिथ की तरफ। तो गाइज जो हमारा नेक्स्ट मिथ है वो है यू कैन किल द एनिमी बाय स्टिकिंग हाइव ट्रैप ऑन योर टीममेट, जैसा हम लोगों ने MQ27 ड्रैगन फायर के साथ किया वैसे ही मैंने ट्राई किया कि मैं अपने टीममेट को लगा दूँ हाइव ट्रैप एंड वो एनिमी के पास जैसे ही जाए तो एनिमी मर जाए उससे। बट एनिमी उसके पास आया तो भी उसको कुछ हुआ नहीं, यानी कि हाइव ट्रैप खुद ही डिस्ट्रॉय हो गए। तो आप अपने टीममेट के ऊपर हाइव ट्रैप नहीं स्टिक कर सकते, अगर होता तो काफ़ी अच्छा होता बट ये मिथ बस्ट हो गया है। तो गाइस नेक्स्ट मिथ है वो सैम टेरेट कैन डिस्ट्रॉय XS1 गोलायत इन मिडर। तो गाइस सबको पता है सैम टेरेट जो हवा वाली चीज़ें रहती है यानी कि एयर स्कोर स्ट्रिक्स वो सब फोड़ सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सैम टेरेट भी आता तो ऊपर से ही है, तो क्या सैम टेरेट उसको भी डिस्ट्रॉय कर पाएगा गोलायत को। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे एनिमी ने गोलायत फेंका एंड ऊपर से जैसे ही गोलायत आ रहा था तभी सैम टेरेट वहाँ पर ही था बट उसने कुछ किया नहीं। तो गाइज ये मिथ भी हो जाता है बस्ट, तो सैम टेरेट आपका हवा में गोलायत नहीं फोड़ सकता। अगला मिथ जो है वो है हमारा टेम्पेस्ट कैन डिस्ट्रॉय वीटॉल। तो गाइज बाकी सब इससे तो हम लोग फोड़ सकते हैं ऑपरेटर स्किल से, वीटॉल मैंने देखा है काफ़ी लोगों को वॉर मशीन से फोड़ते हुए, बट क्या टेम्पेस्ट डिस्ट्रॉय कर सकता है क्या। तो यहाँ पर मेरे पास टेम्पेस्ट है एंड एनिमी का ऊपर से वीटॉल आ गया है, तो जैसे वीटॉल आएगा मैं उसके ऊपर फायर करना चालू करता हूँ। टेम्पेस्ट का फायरिंग एनिमेशन काफ़ी कूल लगता है गाइज, एकदम फ्यूचरिस्टिक लगता है। और यहाँ पर मैंने उसको 3 शॉट तो हिट कर दिया बट कुछ हुआ नहीं, और ये 4th शॉट में डायरेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया वीटॉल। तो यहाँ पर आप 4 शॉट लगते हैं बट आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो ये मिथ हो गया है अप्रूव्ड। तो गाइज हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मिथ की तरफ जो कि है यू कैन डिस्ट्रॉय XS1 गोलायत विथ वॉर मशीन, यानी कि आप जो गोलायत का शेल रहता है उसके अंदर ही क्या आप उसको फोड़ सकते हैं वॉर मशीन से। तो यहाँ पर SMR से तो नहीं टूटा बट मैंने पूरी अपनी वॉर मशीन लगा दी तो भी ये शेल टूटा नहीं। तो जब तक किसी ने ये नहीं ले रखा है तब तक आप इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो ये मिथ भी हो जाता है बस्ट। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट मिथ जो कि है सैम टेरेट कैन डिस्ट्रॉय MQ27 ड्रैगन फायर। तो गाइस ये भी एक एयर वाला स्कोर स्ट्रीक है, तो हम लोग को लगा इसको भी ट्राई करना चाहिए क्योंकि ये नया नया स्कोर स्ट्रीक आया है, तो क्या इसको सैम टेरेट डिस्ट्रॉय कर पाएगा। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है सैम टेरेट एंड एनिमी के पास है MQ27 ड्रैगन फायर एंड जैसे ही एनिमी ने MQ27 ड्रैगन फायर अपना निकाला इसने उसको तुरंत डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये गाइस हो जाता है मिथ अप्रूव्ड और इसी के साथ ये वीडियो होता है ख़त्म। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक किया क्या, बट गाइस कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो क्या पता आपको हमारे दूसरे वीडियोज भी अच्छे लग जाए। क्लिक कीजिए यहाँ पर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।